रोग हमारी भलाई के लिए आता है, अगर आप समय दोगे एक एक रोग को स्पष्ट कर सकता हूँ कि ये क्यों आया और इसको आने में हमारी क्या भलाई हुई, क्या लाभ हुआ। अब पथरी के दर्द की बात करते हैं। पथरी का दर्द आया हमारी भलाई के लिए आया, क्यों? हमें ये बताने के लिए आया कि ऐ मानव, तुमने तो पथरी नहीं खाई 11 mm की। आज कोई भी व्यक्ति कैसा भी भोजन कर रहा हो, जो उसकी बुद्धि और समर्थ में बढ़िया से बढ़िया भोजन है, शुद्ध से शुद्ध वो भोजन करता है, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और शरीर के अंदर ऐसा प्रबंध है कि पूरे भोजन में छुपा के अगर सर का एक बाल भी डाल दिया जाए, वो अंदर नहीं जाएगा, मुंह से ही मालूम पड़ जाता है, पूरा भोजन ही फेंकना पड़ता है। फिर भी पथरी बन गई 11 mm की, तुमने तो खाई नहीं। तो हमें पथरी का दर्द ये चेतावनी देने के लिए आया कि ऐ मानव, तू सोच कि अच्छा वाला भोजन तेरे अंदर जाके पथरी बन रहा है क्यों, इसका कारण क्या है, पथरी बन क्यों रही है। और अगर वो पथरी का दर्द उस टाइम ना आता, आगे चल के वो दर्द इतना, पथरी का साइज इतना बढ़ जाता कि वे पूरे गुर्दे या गाल ब्लैडर को ही खराब कर देती और उसको निकालना भी मुश्किल हो जाता। इसका मतलब पथरी का दर्द हमारी भलाई के लिए आया।